गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ रोल ऑफ फूड। तो ये हमारा जो फूड का रोल है हमारे लाइफ में वो क्या होता है, तो कौन कौन से फूड से कौन सी हमें चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है और विटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो ये कौन कौन से फूड में पाया जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया। आवर डाइट शुड कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, उनमें उसमें पूरे अच्छी एक मात्रा में, इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में जो है सारी चीज़ें पाई जानी चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बॉडी में इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज़ नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट। जब ये एक पूरी इक्वल अमाउंट में होंगी ना ये सारी जो है डाइट में, तो इक्वल अमाउंट में होने की वजह से इसको, तब ये हमारे बॉडी के लिए बैलेंस्ड डाइट होगी, ठीक तरह की डाइट होगी जो हमारे हर प्रकार से हमें सेफ करेगी, हमें ग्रो करने में हेल्प करेगी, हमें डिजीज़ से भी लड़ने की क्षमता देगी। जैसे आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए किस लिए होता है, प्रोटीन किस लिए होता है, फैट्स किस लिए होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स किस लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें एनर्जी देता है। और ये किस में मिलता है, राइस, ब्रेड, शुगर, पोटैटो एंड व्हीट में मिलता है, पाया जाता है। ये प्रोटीन है, ये क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए, हेल्प द बॉडी टू ग्रो, ये हमारी बढ़ने में मदद करता है, ये बच्चों को बढ़ने में काफ़ी मदद करता है, सभी के लिए ज़रूरी है बट बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जांपल्स इसका है पल्सेस, पनीर, एग, फिश और मिल्क और चीज़ में ये प्रोटीन मिल जाता है हमको खाने से, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। अब है फैट्स, फैट्स किस लिए हेल्प करता है, स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी इन द बॉडी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी बॉडी को तो हमें फैट चाहिए होगा, ये किस में मिलता है, ऑयल, बटर एंड घी में मिलता है, तो इससे हमें और ताकत मिल जाती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें हेल्दी रखता है और हमें क्या डिजीजेस से लड़ने की क्षमता भी देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किससे, डिजीज से। तो इसमें किस में मिलती है, फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स में ये हमें मिल जाती है। तो ये सारी की सारी जो ये बताई गई हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये एक इक्वल अमाउंट में हमें हमको खानी चाहिए, हमें रोज़ ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, हमें ये दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, मिल्क, घी, है ना, नट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा खा ली, एक चीज़ कम खा ली, सारी की सारा चीज़ें इक्वल अमाउंट में हमें ईट करनी चाहिए। यही हमारे जब हम करेंगे तो ये हो जाती है हमारी बैलेंस डाइट, हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट है और ये हमें हर चीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी और ग्रो भी करेगी और हमारी बॉडी को एनर्जी देगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत होगी तो मिल जाएगी, तो हम क्या है रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये जो है डाइट सभी को लेनी चाहिए। मिल्क इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट मील एज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मिल्क है, दूध एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक कंप्लीट मील है, एक पूरी इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, एज इट कंटेन, इसमें जो है एक ऐसी चीज़ है ये जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है और विटामिन्स भी है और मिनरल्स भी है, ऐसा कोई भी एक भी खाने वाली चीज़ नहीं है जिसमें कि सारी चीज़ें ये हमें मिल जाए जो हमारे बैलेंस डाइट की हैं। तो अगर आप मिल्क पीते हैं रोज़ तो अगर कोई चीज़ की कमी भी होती है तो वो आपको आसानी से मिल जाती है, आपको बैलेंस डाइट में ये सारा कुछ खाने पीने के बाद आपको दूध मिल जाता है या कोई कमी रह जाती है किसी चीज़ की तो ये मिल्क उसको पूरी कर देता है और उसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो समझिए कि मिल्क एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों को रोज़ इसको
पीना चाहिए. रीड द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये स्कोर स्टेटमेंट को रीड करना है और आपको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स है ये. यह अंशुल इज अबाउट टू रन अ रेस. ही नीड्स एनर्जी. हिज मदर गिव्स हिम अ स्पून फुल ऑफ. अब अंशुल है जो दौड़ता है, रेस लगाता है, तो उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो उसकी मम्मी उसको रोज़ एक फुल स्पून फुल ऑफ क्या देंगी, ऑयल देंगी कि शुगर देंगी. एनर्जी किससे मिलती है ना? तो यहाँ पर देखिए एनर्जी के लिए क्या है, एनर्जी के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे शुगर. ये देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, तो ये इसमें क्या आता है, शुगर. तो यहाँ पर क्या आपको होगा, शुगर. शुगर जो है एनर्जी गिविंग फूड है, तो यहाँ पे मम्मी क्या देगी, शुगर. चीनी इज स्मॉल फॉर हर एज. हर डॉक्टर टेल्स हर टू हैव मोर. अब चीनी जो है एक छोटी सी बच्ची है, कम उम्र की बच्ची है, उसको डॉक्टर ने बोला है क्या खाने को बोला है, उसको अब ग्रो करना है क्योंकि चीनी छोटी सी है. तो उसको ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रोटीन की. तो चीनी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए. तो जो छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं जो, उन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो उन्हें प्रोटीन्स चाहिए होगा. डॉक्टर उसको क्या रेफ़र करेगा, प्रेफर करेगा प्रोटीन्स के लिए कहेगा. तो प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलती है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. ये हेल्प द बॉडी टू ग्रो. बॉडी को लंबे होने में, बड़े होने में मदद करता है प्रोटीन. तो इसमें किससे मिलती है प्रोटीन, पल्सेस, पनीर, एग्स, फिश, मिल्क एंड चीज़. ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, यानी कि एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक चीज़ छोड़ दी, सब कुछ सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें लेनी चाहिए. इससे क्या होगा, हेल्प द बॉडी टू ग्रो. बॉडी जो है या शरीर को बढ़ने में ये मदद करता है, हेल्प करता है. नेक्स्ट है आपका, नीना ऑलवेज गेट्स अ कोल्ड. हर डॉक्टर टेल्स हर टू हैव मोर. नीना हमेशा जो है उसको जुकाम रहता है या जुकाम खांसी रहती है. हर डॉक्टर उसको, डॉक्टर ने बोला है क्या लेने को बोला है, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड. तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड लेने को बोला है. प्रोटेक्टिव फूड कौन से हैं, ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड है. इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल. ये चीज़ें लेंगे तो हम डिजीज, हमें बीमारियों से क्या है, लड़ने की इससे क्षमता मिलती है. तो रोज़ रोज़ ये सारी बीमारियां नहीं होंगी. कुछ बच्चों को ना रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये इन फूड को ईट नहीं करते हैं, इस वजह से इन्हें ये डिजीज़ जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं. तो जल्दी बीमार पड़ने से कितना प्रॉब्लम होता है, बच्चा ग्रो भी नहीं करेगा. जब उसको रोज ही बीमार पड़ रहा है जो बच्चा, वो ग्रो क्या करेगा, उसकी लंबाई पे असर पड़ेगा, उसके हेल्थ पे हेल्थ इशू हो जाएगा, तो वो और बच्चों की तरह नहीं दिखाई देगा. तो हमें इससे बचना चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड्स को ज़रूर खाना चाहिए. तो ये आपके अब समझ में आ गया होगा. वी हैव रीड अबाउट जंक फूड इन आवर अर्लियर क्लासेज. हमने जंक फूड के बारे में पिछले क्लासेज में पढ़ाई करी थी. जंक फूड आइटम्स सच एज चिप्स, चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. जंक फूड कौन कौन से आइटम है, चिप्स है, चॉकलेट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होता है. तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. ये हमारी बॉडी को फैटी कर देता है, मोटा कर देता है और नुकसानदेह है. दे हैव लिटिल आर मोर प्रोटीन्स, विटामिन्स आर मिनरल्स. इसमें अगर होता भी है प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स होता, तो बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं होता है, होता है या नहीं ही होता है, समझिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड. हमें जो है ऐसी चीज़ों को खाने को अवॉइड करना चाहिए, और क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने से हम बीमार पड़ते हैं. इसे हमें ना तो हमें प्रोटेक्टिव फूड इसमें मिल रहा है, ना हमें प्रोटीन मिल रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिल रहा है. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो केवल क्या करता है, ये फैट्स तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा है. तो सिर्फ एनर्जी से थोड़ी ना काम चलना है, हमें तो बॉडी को ग्रो भी कराना है, तो हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी, हमें प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें डिजीज से भी लड़ना है, बीमारियों
से भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए हमारी बॉडी में, तो हमें वो भी चाहिए होगा। तो हमें जो पल्सेस, पनीर, एग्स, मिल्क, चीज़ और फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खानी है। अगर हम ये दो चीज़ें नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं और सिर्फ कि सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बढ़ाने वाली चीज़ें खाएंगे, तो हम ना हेल्दी रहेंगे और ना हम ग्रो करेंगे। हम केवल फैट बढ़ता जाएगा हमारा, फैट बढ़ने से हम बहुत सारी बीमारियाँ आने लग जाती हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। थैंक यू।